हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सुबह के 5 बजे और मैं अभी निकल चुका हूँ श्रीनाथ जी के लिए। आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं श्रृंगार का, और अभी मैं निकल रहा हूँ श्रीनाथ जी के लिए माउंट आबू, और 2-3 स्पॉट और है जो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे नाथद्वारा जी। नाथद्वारा से भगवान जी के दर्शन करते हुए जी आगे सीधे अपन चलेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ब्लॉग में ये भी बहुत ही शानदार तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं, तो अभी आगे इनके साथ ही और रास्ता तय करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंच गया हूं उदयपुर और दिन हो गया है, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत डार्क था, थोड़ी नाइट थी, आप जैसे कि देख सकते हैं मजा आ रहा है। और हम अभी पहुंचे उदयपुर, और उदयपुर पहुंचने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं पहुंच गए उदयपुर, और यहाँ से नाथद्वारा सिर्फ 43 किलोमीटर दूर है, जो मैं आपको व्यू पूरा दिखाता हूँ अच्छे से, तो वीडियो के साथ बने रहिए। Hey guys, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूँ श्रीनाथ जी में, और फिर से दादा ने बुला दिया मुझे यहाँ पे, सेकंड टाइम हो गया मेरा। और अभी मैं पहुँचा हूँ जस्ट उदयपुर से, मैं निकला था 6 या 7 बजे और अभी बजे 8, 1 घंटे में 48 किलोमीटर का सफ़र हमने क्रॉस किया, और बीच में एक होटल में स्टे किया। तो आगे कैसे क्या मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। नहीं है यहाँ पे क्राउड बहुत है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब यहाँ नाश्ता करने आए, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या बनाया। Yeah.